गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित रोजगार मेले में पहुंचे प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को बुलाकर रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 300 सरकारी तथा 2800 गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो युवाओं को हुनरमंद बनाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष में 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, जिसके लिए सरकार कौशल विकास मिशन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री चेतन चौहान ने कहा, लगभग अभी जो फिगर हमारे पास आए, फाइनल फिगर नहीं है, लगभग 5800 के आसपास जो है उनको नियुक्ति पत्र आज दे दिए जाएंगे और जो बच जाएंगे उनके बाद उनको रिजर्व में रख दिया जाएगा, बाद में उनके इंटरव्यू होंगे। और 12600 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो बच्चे आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। लगभग कितनी कंपनियां इसमें आई? 65 कंपनियां इसमें आई हैं और मैं उनका सबका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद भी मैं करता हूं। और सबसे बड़ी जो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को ले रही है, रोज़गार दे रही है, वो पतंजलि है। पतंजलि के यहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, 1500 लगभग नियुक्तियां वो दे रहे हैं। देखिए, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा जो है लगातार कर रहा है, लगातार कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है वो लक्ष्य है कि इस विभाग के द्वारा कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए और कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल हमारा जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 2 लाख का, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसको आगे बहुत लेकर जाना है। लोगों में अभी तक जानकारी नहीं है, लोग अभी तक आकर्षित नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आम आदमी तक, गांव के अंदर लोगों को पहुंचाएं कि बीए बीएससी बीकॉम ज़्यादा लोग ना करें, आईटीआई में आए, कौशल विकास में आए और कोई ना कोई एक हुनर वो लोग प्राप्त करें जिससे आराम से उनको रोज़गार मिल जाए, प्राइवेट कंपनियों में रोज़गार मिल जाए या लोन लेके अपना खुद का काम भी वो लोग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की जो योजनाएँ जैसे शौचालय बन रहे हैं, घर घर में जो है विद्युतीकरण हो रहा है, गाँव गाँव विद्युतीकरण हो रहा है, उससे बहुत लोगों की आवश्यकता होगी। घर बन रहे हैं, फर्नीचर बनाने की आवश्यकता हो गया, पेंटिंग की है, दूसरे जो राह मिस्त्री होते हैं उनकी, ये जो ऐसे ऐसे जो ट्रेड हैं ये लोगों की अभी रुचि नहीं है। लोग जो चाहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो सरकारी नौकरी इतनी नहीं है। तो हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो आज रोज़गार मेला हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी आए, एक बहुत बड़ा संदेश जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाए कि लोग जो हैं कौशल विकास के विभिन्न जो व्यवसाय हैं उनमें ट्रेनिंग करें और वो अपने को रोज़गार जो है ले पाए। थैंक यू।